एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि कैसे हमें बोर्ड का जो आंसर शीट मिलने वाली है उसको अटेम्प्ट करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए पेपर में जाने से पहले, बिकॉज इन केस अगर आपको OMR शीट में आंसर शीट में कुछ गलत हो जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको पता नहीं होगा कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है उसको करेक्ट करने के लिए एंड ऑल। तो एक जनरल प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए कि OMR जो आपको आंसर शीट आपको उसमें आपको किस वे से उसको अटेम्प्ट करना है और क्या क्या आपको कंडीशंस गिवन है, क्या क्या आपको फील्ड्स गिवन है और क्या क्या आपको फिल करना है और क्या क्या ऑलरेडी फिल्ड होगा आपके एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो कि सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट जो आपको आंसर शीट में दिखेगा, दैट यू नीड टू ओनली यूज ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ये देखो। सो प्लीज स्टूडेंट्स, आप जेल पेन यूज मत करना, जेल पेन मत लेकर जाना, बिकॉज आंसर शीट में आपको सिर्फ बॉल पेन का यूज करना है। आइदर ब्लैक और ब्लू आप कोई भी यूज कर सकते हो, एंड पेंसिल का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। सो यहाँ पे आपके जो टॉप लेफ्ट में कुछ फील्ड्स गिवन है जो ऑलरेडी फिल्ड होगी, ये याद रखना। आपका रोल नंबर, जो आपका CBSE का रोल नंबर आपको मिल ही चुका होगा, वो ऑलरेडी आपके आंसर शीट में यहाँ पे फिल्ड होगा। अब आपको वो डिजिट्स में होगा तो यहाँ पे नीचे वर्ड्स में फिल होकर आएगा सेम रोल नंबर। देन आपके पास डे एंड डेट ऑफ द एग्जाम, जब से आपका डेट इसमें लिखी हुई आएगी ऑलरेडी फिल्ड होगी। सेंटर नेम एंड नेम आपको बताइए कि आपका एग्जाम का बोर्ड का सेंटर का है, तो बोर्ड का सेंटर का नाम और नंबर यहाँ पे आएगा। सिमिलरली सब्जेक्ट कोड एंड नेम, जैसे कि अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है और यहाँ पे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का कोड जैसे 043 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। देन इज योर कैंडिडेट नेम, जो आपका नेम होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड होगा। आपके आपको फादर का नेम फिल्ड होगा, एंड देन आपका स्कूल का जो कोड है और नेम है वो फिल होगा। कुछ बच्चों का जो सेंटर पड़ा है इस बार बोर्ड का, वो उन्हीं के स्कूल में पड़ा है, तो मे बी ये हो सकता है कि आपका जो सेंटर का नेम और नंबर और स्कूल कोड का नेम और नंबर सेम होगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये जो फील्ड है आपकी, ये ऑलरेडी फिल्ड होंगी। ओके, सो ये आपको फिल नहीं करनी, सो डोंट टेक एनी टेंशन। देन उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सेंटर का, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस स्टैम्प आएगी वो। उसके बाद आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हो, टॉप राइट कॉर्नर में आपको क्वेश्चन पेपर कोड की फील गिवन है। यहाँ पे आपको जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे टॉप राइट में ही क्वेश्चन पेपर में एक कोड दिया होगा, क्वेश्चन का पेपर का कोड, वही आपको यहाँ पे आंसर शीट में फिल करना है। जैसे कि इट मे बी लाइक CHM 8 एंड B, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन है, कुछ इसी वे में गिवन होंगे, कुछ करेक्टर्स और डिजिट्स के इसी फॉर्मेट में गिवन होगा, वो आपको इसमें फिल करना है। ओके, देन नीचे देखते हैं हम। देन यहाँ पे आपके कुछ रिस्पॉन्सेज का, जो आप MCQ फॉर्म पेपर भरोगे उनके यहाँ पे आंसर्स, आपके रिस्पॉन्सेज यहाँ पे फिल होंगे। देन इसके नीचे आपका एक और फील्ड है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एक स्टेटमेंट गिवन है, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। जो भी आप आंसर्स भरोगे आपको ये आप कन्फर्म कर रहे हो कि वो करेक्ट है, तो आपको यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी साथ में अपने सिग्नेचर के साथ। तो कुछ नहीं करना, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, बेसिकली आप अपना कंसेंट दे रहे हो कि आपने जो जो रिस्पॉन्सेज भरे हैं और जो आपके ऑलरेडी फिल स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट है। कुछ बहुत रेयर केस है कि अगर आपका कुछ गलत हो, तो जब भी आप बोर्ड में आपके एग्जाम में रीडिंग टाइम होगा ना, तो जो ऑलरेडी फिल्ड आपकी ऑप्शंस है ना, वो एक बार चेक कर लेना कि आपका कैंडिडेट नेम और फादर नेम और स्कूल कोड सब करेक्ट है कि नहीं। बहुत रेयर केसेस में गलत होगा, बट एक बार कन्फर्म करने के लिए चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो स्टेटमेंट लिख रहे हो, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना साइन करना है। जैसे देन उसके बाद ये याद रखना, इससे नीचे आपको नहीं जाना, जो इसके नीचे है कि टोटल करेक्ट आंसर्स एंड ये सब सिग्नेचर जो इवैल्यूएटर कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर और इन्विजिलेटर के हैं, वहाँ पे आपको नीचे नहीं जाना, आपको बस यहीं तक चेक करना है। ये सब आपके हो गए, इसमें कुछ भी आप नोट करना ये आपके लिए नहीं है। ओके, देन हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आंसर शीट का है, वो आपके रिस्पॉन्सेज वाला। तो रिस्पॉन्सेज में ना आप एक चीज़ देखो, मैं बताने से पहले आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे ना तीन कॉलम्स हैं। क्या? एक है रिस्पॉन्सेज वाला कॉलम, एक है स्टार वाला कॉलम एंड एक है हैश वाला कॉलम।
ओके बेसिकली आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे देखो एक सेक्शन में 1 to 15, यहाँ पे आपके 1 to 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 to 30 है, ऐसे ही आपको 60 तक क्वेश्चंस दिए हुए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चंस है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हर पेपर में आपके 60 क्वेश्चंस ही आएंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे केमिस्ट्री के पेपर में आपके 40 क्वेश्चंस आए या मैथ्स के पेपर में आपके 55 क्वेश्चंस आए, तो आपको सारे क्वेश्चंस का इसमें अटेम्प्ट नहीं करना। जैसे कि अगर आप मैथ्स का पेपर देख रहे हो और आपके मैथ्स के पेपर में जैसे 55 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे पेन से, बॉल पेन से एक लाइन बना देना या कुछ भी करके एक डॉट बना देना कि आपको इसके नीचे नहीं जाना, इसके नीचे आपको अटेम्प्ट नहीं करना, आपको 55 तक ही अटेम्प्ट करना है। ओके ताकि आपको याद रहे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। अगर ये एक्स्ट्रा है इसको छोड़ दो, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे कुछ गलत आंसर हुआ तो आप यहाँ पे आके 57 को काटिए, 3 का आंसर यहाँ लिख दो, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके तो मैंने आपको बताया कि आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अब आप क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आपको गिवन है पहले सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन जो आपको वो 1 to 15 है। ओके जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपके 1 to 15 क्वेश्चंस हैं, एंड उसमें आप 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, मिस कर सकते हो, ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चंस को। तो ये जो आपका हैश वाला सिंबल है ना लास्ट, इसका मतलब ये है कि आप जौन से क्वेश्चंस को मिस कर रहे हो, जो उनसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने, जो आप हटा सकते हो, उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, ताकि आप गलती से उसको फिल मत कर दो। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में आपके 1 to 15 है और आप 2 छोड़ सकते हो, तो जैसे कि आपने डिसाइड किया, आपने क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में पढ़ा और आपने देखा कि 5th और 8th आपको अटेम्प्ट नहीं करना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 5th क्वेश्चन के आगे और 8th क्वेश्चन के आगे एंड सर्कल कर देना है और कुछ नहीं करना। तो आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि लास्ट में आंसर्स को मार्क करने का मत सोचना कि आपके पास 10 मिनट्स है तो चलो आप सारे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। इस केसेस में क्या होता है कि आपके जैसे बाय चांस अगर 6th क्वेश्चन आपका मिस हो गया या कुछ गलत हो गया, तो नीचे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। ओके अब हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है कॉलम्स का। अगर आपने जैसे चेक किया, आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बी से उसको एनसर्कल कर देना है, बी वाले को, बी ऑप्शन को डार्क कर देना। डार्किंग कर दिया आपने जब बी वाले ऑप्शन को, फिर आपने जब उसको रिवीजन करा, तो रिवीजन के टाइम आपको रियलाइज हुआ नहीं है बी तो उसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सी है, तो बच्चों को लगता है कि फ्लूइड लगा दें या हम कट करके ऐसे लिख दें, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ये जो स्टार है ना, ये आपका बेसिकली फाइनल रिस्पॉन्स होगा, फाइनल रिस्पॉन्स, ये ही वाले आंसर्स आपके इवेल्युएट किए जाएंगे। जब आपको पता चला कि इसका आंसर सी है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको स्टार में सी लिख देना है, तो आपका सी को ऑप्शन जो है वो कंसिडर होगा इवेल्युएशन के, नॉट बी, ठीक है। सिमिलरली आप हर क्वेश्चन में ही करोगे, जैसे आपको पता है कि अब आपने देखा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप 110% श्योर हो कि सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है ना आपका, आप 110% श्योर हो कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो डी है, वो कुछ नहीं करना, सेकंड में डी को एंड सर्कल कर देना और यहाँ पे डी लिख देना है। ओके सो ये वाला आपका डी कंसिडर हो जाएगा। और बाय चांस जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड देन यू रियलाइज कि आपने गलती से 5th का आपने सॉल्व कर दिया, 5th का आंसर आपने डी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपने 5th का डी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपने एनसर्कल कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने हैश जो लास्ट कॉलम है वहाँ पे आपने ये मार्क किया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका कंसिडर नहीं होगा, आपका ये वाला जो है ये वाला कंसिडर होगा पॉइंट। तो ध्यान से करना, जो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते वो आप ध्यान से इसको एनलाइटन कर देना, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे भी 2 को कर दिया कि आपको रियलाइज होगा कि 2 अटेम्प्ट नहीं करना, आपने डी लिख लिया, तो आपको वो नॉन अटेम्प्टेड ही मार्क कंसिडर होगा। तो ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो ये आपको कुछ समझ आया। देन हमारे यहाँ पे ना टॉप राइट में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए कैसे हमें रिस्पांस को अपने डार्कन करना है। ओके अब आप देखो, अब आप जब इसको कर रहे हो, जो मैंने आपको बोला कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसका आंसर ए है, तो आपने ए करा एंड देन यू सडन बी करा, सॉरी आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने देखा कि आंसर आपका बी आया, तो आपने बी को एनसर्कल कर दिया एंड देन यू रियलाइज कि नहीं बी नहीं है, आपका आंसर ए है, तो आप ऐसे क्रॉस और टिक करके नहीं कर सकते, आप इस वाले स्टार वाले वैल्यू में करेक्ट आंसर लिख देना, वही आपका इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर होगा। ओके देन यू कांट ऑल्सो लाइक, अगर आपको पता है कि सेकंड का बी है तो आप ऐसे सिर्फ टिक कर दो, नहीं आपको हमेशा एनसर्कल करना है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। थर्ड में भी सिमिलरली ऐसे नहीं टिक कर सकते, यू नीड टू कम्प्लीटली एनसर्कल, कोई सिंबल अंदर नहीं लिखना, स्क्वायर का सिंबल, टिक का सिंबल कुछ अंदर नहीं लिखना, और ऐसे भी नहीं है कि आप पेपर में ऐसे एनसर्कल कर रहे हो, ये कंसिडर नहीं होगा, आपको पूरे सर्कल को डार्क करना है।
इतने को नहीं करना, ये माना नहीं जाएगा आपका, नहीं करना चाहिए। 10 पॉइंट्स जो आपको OMR में याद रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया हो।